उत्तराखंड के रुद्रपुर में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष को पुलिस ने 4 लाख से ज्यादा की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार भाजपा नेता का नाम क्रांति कोहली बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि स्मैक के साथ एक युवक हरिमोहन को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वे भाजपा नेता कांति कोहली से स्मैक खरीदता है। इस पर पुलिस ने कांति को कोतवाली में बुलाकर उससे पूछताछ की और पुलिस की एक टीम ने कांति की दुकान पर छापा मारा। पुलिस को दुकान से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने कोहली को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं कांति कोहली ने रामपुरा में अपनी जूते की दुकान में एक जूते के डिब्बे में स्मैक छिपा रखी थी और उसे बेचता था। भाजपा नेता कांति कोहली की गिरफ्तारी से पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। रामपुरा से स्मैक की बहुत दिनों से शिकायत चल रही थी, इसके अलावा नशे की भी शिकायत चल रही थी। बीच में हम लोग इंजेक्शन पे एक अच्छी कार्रवाई किए थे। इस समय स्मैक की जो शिकायत मिल रही थी उस पर हमारे मुखबिर भी लगे हुए थे और हमारी फोर्स भी लगी हुई थी। तो कांति कोहली यहाँ पे काफी दिनों से स्मैक का कारोबार कर रहा था। रुद्रपुर से दीपक कुरेजा की रिपोर्ट।